नमस्कार, बिहारी न्यूज में स्वागत है। मैं आपके साथ स्वप्निल सोनल। राजधानी पटना में घूमने के लिए पटना वासियों के लिए खुशनुमा पल बनता जा रहा है। मुंबई के जुहू चौपाटी का आनंद अब पटना में ही ले सकते हैं। जी हां, पटना का गंगा पथ जुहू चौपाटी की तरह बनता जा रहा है। दरअसल भद्र घाट से लेकर कंगन घाट के किनारे बने गंगा पथ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र अपनी ओर खींच रहा है। इस मार्ग पर महावीर घाट मुंबई के जुहू चौपाटी की तरह पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थल बन गया है। शाम होते ही लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ गंगा पथ की ओर चल पड़ते हैं। शाम ढलते ही गंगा किनारे के तमाम घाट गुलजार हो जाते हैं। गंगा नदी का मनमोहक दृश्य और ताजी हवा लोगों को काफी सुकून देता है। इन खूबसूरत नजारों को अपने अंदर कैद करने के लिए लोग दूर दराज से हर शाम यहां आते हैं और खूबसूरत पल को अपने अंदर कैप्चर करते हैं। घाट पर सड़क के किनारे कई स्टॉल भी लगे हैं, साथ ही गंगा किनारे बैठकर और घूमकर गप्पे मारते हुए फास्ट फूड का मजा लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लोगों के दिल लुभाने के लिए तरह तरह के स्टॉल भी लगे हैं। कुल्हड़ की चाय, पानी पूरी, चाट, स्नैक्स, आइसक्रीम, मोमो समेत कई तरह के फास्ट फूड का आनंद पर्यटकों को मिल रहा है। लोग घंटों अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुकूनियत के पल गुजारने के साथ ही चटपटी व्यंजनों का भी लुफ्त उठाते नजर आ रहे हैं। दरअसल घनी आबादी का शहर पटना सिटी में खुली जगह और पार्कों का घोर अभाव है। ऐसे में महावीर घाट से लेकर कंगन घाट के सौंदर्यकरण मुंबई की जुहू चौपाटी की याद ताज़ा करती नजर आ रही है। गंगा नदी का मनमोहक दृश्य और ताज़ी हवा लोगों को इतना सुकून देता है कि लोग घंटों बैठे रहते हैं। दूर दूर से लोग इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने आते हैं। अगर हम कंगन घाट के इतिहास की बात करें तो कंगन घाट सिख संप्रदाय की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। यह सिख श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु आते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं का जत्था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में मत्था टेकने के बाद गंगा तट कंगन घाट जाना नहीं भूलते। वहीं पटना में भद्र घाट से लेकर कंगन घाट के बाद मुंबई के जुहू चौपाटी का आनंद आप अगर कहीं और भी ले सकते हैं तो वो है पटना के एनआईटी घाट। जी हाँ, सभी घाटों की खूबसूरती में गंगा की लहरें चार चांद लगा रही है। वहीं जब बरसात का मौसम आता है तो गंगा की उफान और गुलजार कर देती है। रिवर फ्रंट पर घूमते हुए गंगा की इठलाती लहरों की कुछ बूंदे शरीर पर पड़ते ही बड़े भी बच्चे जैसी हरकतें करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। वहीं मिथिला पेंटिंग से सजे घाटों और गंगा जी की लहरों का आनंद लेने के लिए हर दिन सैकड़ों सैलानी गंगा उमड़ते हैं। यहाँ पटना सिटी की निहारिका के शब्दों में पूरा दृश्य मरीन ड्राइव मुंबई की याद दिला देती है। जहाँ तक नजर जाए बस पानी ही पानी, गंगा की लहरें खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अपडेट के लिए आप बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।